सो दो फ्रेंड्स यहाँ से लेते हैं सर्फ, तो सर्फ भी इसके अकॉर्डिंग ही डालेंगे। सर्फ सुर्फ सब ऑटोमेटिक ही है मशीन में। तो ये देखिए, पहले यहाँ से थोड़ा ये करते हैं, पानी डाल के धो देते हैं, फिर इसमें सर्फ डालेंगे। ठीक है गाइस, हाय एवरीवन, गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, टुडे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। सो गाइस, नए वीडियो में आप देख पा रहे होंगे, अभी मैं जस्ट सोकर उठा हूँ और चाय वगैरह पीकर बस रेडी हुआ हूँ। और गाइस, आप लोगों को पता ही होगा कि मेरे जो हैं मतलब घर वाले अभी यहाँ पर नहीं हैं, वो गांव गए हुए हैं। तो इसलिए मुझे गाइस थोड़ा सा काम मुझे खुद से ही करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए मुझे कपड़े धोने हैं और बर्तन भी मांजना है, मतलब रोटी भी पकानी है, मतलब बहुत काम करना पड़ेगा। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, सभी काम देखते हैं। तो चलो गाइस, मैं उन भाइयों को कहना चाहता हूँ जो नए हैं, बिल्कुल मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो शेयर भी ज़रूर कर दें। सो चलो गाइस, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए लेके चलते हैं हम आपको। पहले काम करते हैं, खाना तो चलो बना लेंगे, उसका तो ब्लॉग नहीं बना पाऊँगा। बर्तन बर्तन मांजेंगे, वो भी शायद दिखा दूँ, शायद, पक्का नहीं कह सकता। तो चलो गाइस चलते हैं, थोड़ा पहले कपड़े दे देते हैं मशीन में धोने के लिए, क्योंकि तो कोई है नहीं, मैं हाथ से घिसूंगा नहीं कपड़े को, मशीन में डाल देता हूँ, अच्छे से धुल जाएगा। तो चलो चलते हैं, पहले मशीन में कपड़े डालते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या काम प्रोसेस। तो ये गाइस मेरे कुछ कपड़े हैं जिसे मैं मशीन में डालने के लिए जा रहा हूँ। तो चलो, इधर तो मशीन है अपनी। तो गाइस ये रही मशीन, और इस पे देख लीजिए धूल मिट्टी थोड़ा ज़्यादा जमा हुआ है, इसको थोड़ा साफ़ करते हैं यहाँ से अच्छे से। ये देखिए कितना, इसी को मशीन में भी डाल देंगे फिर से। तो यहाँ से करते हैं सफाई, सफाई कर लिया गाइस। अभी ये देखो यहाँ पे तार गिरा हुआ है, इसे उठाकर बोर्ड में लगा देते हैं। तो ये रहा गाइस, बोर्ड में लग गया हुआ है, अब इसे खोलते हैं। इसमें मैंने कल जुराब डाली हुई थी, कल भी मैं कह रहा था आपको मशीन में कपड़े धोऊंगा बट नहीं धो पाया। तो इसमें चलो मफलर चला गया हमारा, और ये रुमाल हैंकी ये भी डाल दिया, अच्छे से खोल के डालते हैं। तो ये भी डल गया, ये जीन्स, ये जीन, और भाई ये रहा कमीज भी डाल दी। तो ये कमीज, तो फाइनली गाइस सब कुछ मशीन में डाल दिया है, आप देख पा रहे होंगे। तो अब चलो मशीन को स्टार्ट करते हैं और दिखाता हूँ इसमें से कैसे होता है। सो दो फ्रेंड्स यहाँ से लेते हैं सर्फ, तो सर्फ भी इसके अकॉर्डिंग ही डालेंगे। सर्फ सुर्फ सब ऑटोमेटिक ही है मशीन में। तो ये देखिए, पहले यहाँ से थोड़ा ये करते हैं, पानी डाल के धो देते हैं, फिर इसमें सर्फ डालेंगे। ठीक है गाइस, तो फ्रेंड्स ये देखिए मैं पानी ले आया हूँ और इसको धोते हैं। ओहो, सर्फ का पैकेट ही गिर गया इसमें। चलो इसको यहाँ पे धोते हैं पहले, क्योंकि ये सर्फ जो है इससे ये अंदर बाहर जाने में थोड़ा दिक्कत करता है, ये पता नहीं बाहर कैसे निकलेगा, निकल नहीं पा रहा है गाइस। ये लो सभी निकल गया, पहले इसको धो देते हैं अच्छे से, फिर इसमें सेट करेंगे। ये देखिए इसमें बहुत सारा सर्फ जमा हुआ है, क्योंकि ऑटोमेटिक है ना गाइस। वो लो अच्छे से धो देते हैं अंदर तक, वो देख पा रहे होंगे आप। चलो तब तक मैं इसे धोता हूँ। तो फाइनली गाइस ये देख पा रहे होंगे आप कि मैं इसे फिट कर दिया हूँ। अब इसमें सर्फ डालेंगे अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप ही मतलब यहाँ से उठा लेगा सर्फ, जितने की ज़रूरत हो, ये 1 स्पून या 2 स्पून ये अपने आप ही उठा लेगा। ये देखिए मैं इसे भर देता हूँ, थोड़ा सा भरना भी नहीं है, मतलब थोड़ा सा रखना है। भाई क्या हो गया, फंस गया यहाँ पे सर्फ। ये देखिए फ्रेंड्स, तो वैसे इतने सर्फ काफ़ी हैं, क्योंकि मेरे कपड़े भी कम ही गंदे हैं। चलो तो अब गाइस इसे करते हैं बंद, और यहाँ से पहले टैप ओपन करना होगा, इधर ओपन होता है,
ये टैप किया मैं हमने ऊपर और इसको किया बंद और यहाँ से स्विच ऑन। और ये देख लीजिए अभी इसको करेंगे पावर पे, पावर आ गया, ये देखिए वन आया। अब इसको स्टार्ट कर देते हैं, तो स्टार्ट हो चुका है ये देख पा रहे हैं आप, मशीन घूम रही है अच्छे से। मशीन चलनी स्टार्ट होगी, यहाँ से पानी अंदर जाएगा, उस पाइप के थ्रू बाहर आ जाएगा पानी, वो जो पाइप